हाँ तो शुरू करें। तो करना अर्जेंटेड भाई। तोरा ससुरा में तोरा गलिया में मिले हम आई लाइव ये जान तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। मैं ऐसा करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसा कि प्रीव्यू में देखा उसी तरह अब मैं आपको वीडियो एडिट करके इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को एडिट करने के लिए मैं एक एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है काइट मास्टर एप्लीकेशन। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगर वाटरमार्क आता है तो इसके लिए मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाकर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देखिए और वहाँ से आपको वाटरमार्क को हटा लीजिए। तो चलिए आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाता हूँ किस तरह से आपको वीडियो को एडिट करना है। जब आपका काइट मास्टर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। इसके बाद 16:9 का जो रेशियो दिखाई दे रहा है इस पर कर देना है क्लिक और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको एक वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेना है, यहाँ से कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। इसके बाद इसको सिंपली कुछ इस तरह से इसको बढ़ा देना है, ऐसे इसको बढ़ा देना है। अब गाइज आपको लेयर पर क्लिक कर देना है, फिर मीडिया पर जाना है और आपको एक फ़ोटो लेना है जिस फोटो का आप स्टेटस बना रहे हो। जैसे मैं आपको ट्यूटोरियल देने के लिए यानी सिखाने के लिए एक फ़ोटो का यूज कर रहा हूँ, इस वाले फ़ोटो का, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और इसको ले लिया और इसको बड़ा कर दिया और एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से आप भी एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। हाँ तो गाइस जैसा कि मैंने फ़ोटो को एडजस्टमेंट कर लिया है इस तरह से, अब इसको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसको कुछ इस तरह से बिछा देना है यानी फैला देना है, जो मेरा फर्स्ट वाला लेयर है वहाँ तक फैला देना है, इसको कुछ इस तरह से फैला देना है। इसके बाद पुनः स्टार्टिंग पे आ जाना है। अब लेयर पर क्लिक कर देना है, हैंड राइटिंग पर क्लिक कर देना है और ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है दूसरा वाला पेंसिल के बगल वाला, इस पर ब्रश वाला, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरह से उसको बड़ा कर लेना है और यहाँ से आपको सिंपली ऐसे करके आपको इस तरह आपको रगड़ देना है यानी या कि लाइन ड्रा कर देना है कुछ इस तरह से। अब इसको पकड़ लेना है कुछ इस तरह से और आपको कुछ ऐसे करके इसको एडजस्टमेंट कर लेना है। हाँ तो गाइस इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको सबसे पहले बड़ा कर लेना है, इसे फर्स्ट वाले लेयर तक इसके बाद टिक कर देंगे। अब हमको क्या करना है गाइस, सिंपली लेयर पर पुनः चले जाना है, मीडिया पर जाना है। अब आपको एक वीडियो इफेक्ट यानी लाइट वीडियो इफेक्ट को ले लेना है। तो जैसा कि मैं ले रहा हूँ, चलिए इसको मैं ले लिया हूँ कुछ इस ऐसे बड़ा कर लिया। अब इसके बाद सिंपली यहाँ पर रख देंगे इसको, ऐसे बड़ा करने के बाद इसे कुछ ऐसे रख देंगे। अब सबसे पहले इस वाले वॉइस को बंद कर देना है यहाँ से। इसके बाद पुनः लाइट इफेक्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर देना है और ब्लेंडिंग पर जाना है। सिंपली ब्लेंडिंग पर आ जाने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रीन, इस पर कर देना है क्लिक और यहाँ से टिक कर देना है। इसके बाद हमारा जो वीडियो है यहाँ तक आया है। इसके बाद पुनः इसी पर क्लिक कर देना है और 3 डॉट पर जाना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से इसको पकड़ कर कुछ ऐसे रख देना है। पुनः इस पर क्लिक कर देना है, इसका पुनः डुप्लीकेट निकाल लेना है। पुनः इस पर क्लिक कर देना है 3 डॉट पर, डुप्लीकेट निकाल लेना है। इसके बाद इसको पुनः पकड़ कर ऐसे लेकर यहाँ पर रख देना है कुछ इस तरह से। अब सिंपली गाइज आपको सिंपली लेयर पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर जाना है और आपको एक बॉर्डर को ले लेना है यानी फ्लावर वाला बॉर्डर को ले लेना है कुछ इस तरह से।
सिंपली फ्लर वाले ड्रा वाटर पर क्लिक कर देना है, ब्लेंडिंग पर जाना है, ब्लेंडिंग पर जाने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है कुछ इस तरह से। अब हमें दिखाई पड़ेगा तो पुनः इसको एडजस्टमेंट कर देना है, इसको इस तरह से एडजस्टमेंट करना है ऐसे। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैं आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, आप हमसे अच्छा भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से जैसे मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। इसको क्लिक कर देंगे, अब इसको बड़ा कर देना है, कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है। हाँ तो गाइस, अब पुनः स्टैटिक पे आना है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद पुनः एक फ्लावर को ले लेना है, इसके बाद इस पर पुनः क्लिक कर देना है, ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा मल्टीप्लाई, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पुनः इसको एडजस्टमेंट कुछ इस तरह कर लेना है, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। क्लिक कर देंगे, अब इसको बड़ा कर लेंगे, कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे। हाँ तो गाइस, जितना मैं इस वीडियो में मटेरियल यूज कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इस मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ तो गाइस, अभी मत जाइए भाई, आप पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, तब आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से लिंक से आप मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अपना लेयर पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद सिंपली आपको एक वीडियो को लेना है, लिरिक्स वीडियो को ले लेना है, कुछ इस तरह से लेना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाना है कुछ इस तरह से। इसके बाद ब्लेंडिंग पर जाना है, ब्लेंडिंग पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब गाइज आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस, आपका सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है और एक रिंग लाइट यानी रिंग कलर का जो मैंने ये वीडियो बनाया है इसको लेना है। इसके बाद आप पुनः ब्लेंडिंग पर जाना है, ब्लेंडिंग पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो हमारा वीडियो है इसको एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे गाइस, जैसे देख सकते हैं ऐसे बड़ा कर लेंगे। उसके बाद उसको एडजस्टमेंट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, देखते हैं। इसके बाद ये जो फेस छोटा बड़ा है इसको हम डुप्लीकेट निकालेंगे कुछ इस तरह से, सिंपली ऐसे डुप्लीकेट निकाल कर हम पूरे में बिछा देंगे जहाँ तक हमारा लिरिक्स हुआ है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हम बिछा देंगे जहाँ तक मेरा लिरिक्स वीडियो है वहाँ तक आपको ऐसे कर देना है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है बताते हैं। जैसा कि मैंने सभी पर ये वीडियो लगा दिया है, अब देखिए जहाँ तक मेरा लिरिक्स है वहाँ तक आ जाना है। इसके बाद ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक कर देना है क्लिक, यानी जो मैंने व्हाइट कलर का पट्टी लिया है उसको कर देना है क्लिक। इसके बाद ट्रिम टू राइट प्ले हेड कर देना है, इसलिए जो कि फालतू की चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाएंगी, कुछ इस तरह से आप कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही सभी चीज़ें डिलीट हो जाएगी। ये मैंने जो लिया था इसको भी ऐसे डिलीट कर देना है। अब सिंपली यहाँ पर आ जाना है, आपको मैं प्रीव्यू देख करके दिखाता हूँ कि हमारा जो वीडियो किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब सिंपली अब आपको एक बॉर्डर को लगाना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद सिंपली आपको एक बॉर्डर को चूज कर लेना है जो कि आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया है, तो गाइस ऐसे ही आपको लेना है। इसके बाद इस वाले बॉर्डर पर क्लिक कर देना है और इसको घुमा देना है ऐसे। घुमाने के बाद सिंपली आपको पकड़ कर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लगा देना है। अब यहाँ से आपको सिंपली अगर कलर चेंज कर रहे थे कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। कुछ इस तरह से आप
कलर को भी चेंज कर सकते हैं। येलो कलर का लगा दिया मैंने। इसके बाद इसको बड़ा कर देना है ऐसे यहाँ तक। अब जो हमारा वीडियो है बनकर तैयार हो गया है, तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से इस वीडियो को कर लेंगे सिंपली यहाँ से सेव। हाँ तो गाइस, अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।